हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। गाइस, आज है मेरे पास 7 पार्सल्स मीशो से। इन सारे सारे पार्सल्स में बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस। इसमें कुछ शॉर्ट ड्रेसेस हैं, कुछ लॉन्ग ड्रेसेस हैं, एंड ऑल दीज ड्रेसेस आर रियली अफोर्डेबल। अफोर्डेबल से मेरा मतलब है कि सारी सारी ड्रेसेस अंडर 500 रुपीज़ है। यस गाइस, आपने सही सुना, सारी की सारी ड्रेसेस ना अंडर 500 रुपीज़ है। एक ही ड्रेस है इनमें से जो 597 की है। ऑल दीज ड्रेसेस आर रियली ब्यूटिफुल। पिक्चर्स तो बहुत ही प्यारी थी मीशो पर इन सारी की सारी ड्रेसेस की। ओरिजिनली ये ड्रेसेस कैसी आई है ये तो पार्सल अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा, राइट? तो चलो साथ में सारे पार्सल अनबॉक्स करके देखते हैं कि ड्रेसेस कैसी आई है। और मैं इस वीडियो के लिए ना सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होपफुली हमें कुछ बहुत ही क्यूट आउटफिट्स मिल जाएंगे इस वीडियो में। होपफुली ये चीज़ तो अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अपना फर्स्ट पार्सल बॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी ड्रेस है। होपफुली वीडियो की स्टार्टिंग यार अच्छी होगी, इसे खोल कर देखते हैं। ओके, तो अपनी फर्स्ट ड्रेस है ये प्रिंटेड ग्रीन ड्रेस। इस ड्रेस में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 363 रुपीज़। इसे खोल कर देखते हैं। इस ड्रेस का प्रिंट सच में मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फील हो रहा है, बाकी पहनने के बाद पता चलेगा। दिखने में तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। ये है इस ड्रेस का ओवरऑल लुक। आई एम इन लव विद दिस ड्रेस। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ये ना एक शॉर्ट स्टाइल ड्रेस है, आप देख सकते हैं। इस ड्रेस का लुक पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आ रहा है। ये है इस ड्रेस का फ्रंट लुक। ये है इस ड्रेस का बैक लुक। ये एक शॉर्ट ड्रेस है। मेरी हाइट है 5'4" एंड आप देख सकते हैं कि इस ड्रेस की लेंथ मेरे थाइस तक है। इस ड्रेस का ना प्रिंट सच में मुझे काफी ज्यादा प्यारा लगा। मैं आपको एक बार पास से ना प्रिंट वर्क दिखा देती हूँ। ये ड्रेस ना पहनने में सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो फैब्रिक है ना वो है रेयॉन, काफी अच्छा पतला रेयॉन फैब्रिक है। हल्का सा ना सी थ्रू है, बहुत ज्यादा सी थ्रू नहीं है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लैक इनर ना हल्का सा विजिबल है। रेयॉन फैब्रिक पे ना स्ट्रेच नहीं होता है, तो ये ड्रेस बिल्कुल भी स्ट्रेच ही नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने रेगुलर साइज में इस ड्रेस को ऑर्डर करें। मैंने इस ड्रेस को ना स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था, और आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस मुझे काफी परफेक्टली फिट हो रही है। और इस ड्रेस में जो ये वेस्ट बेल्ट है ना, ये ड्रेस के साथ ही अटैच्ड है। ये है फैब्रिक का क्लोजअप। नेक्स्ट पार्सल देखते हैं इसमें कौन सी ड्रेस है। इसमें है ये कलरफुल काइंड ऑफ ड्रेस। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 363 रुपीज़। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, इसे खोल कर देखते हैं। कलर इस ड्रेस का सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। ये एक लॉन्ग ट्यूनिक ड्रेस है। फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, थिक है, मतलब देखने में लग तो नहीं रहा है कि ट्रांसपेरेंट होगा, बाकी पहन कर पता चलेगा। मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। ये है इस कलर ब्लॉक ट्यूनिक ड्रेस का ओवरऑल लुक। इस ड्रेस का कलर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। मेरे ओपिनियन में ये ड्रेस ना मेरे ऊपर फ्लैटरिंग नहीं लग रही है, बट ड्रेस की क्वालिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लुक भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आया है पिक्चर से। पिक्चर में मॉडल के ऊपर ड्रेस यार बहुत अच्छी लग रही है, बट पर्सनली मेरे बॉडी टाइप पर ना ये ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। बट आप देख सकते हैं लुक इस ड्रेस का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये है इस ड्रेस का फ्रंट व्यू, और आप देख सकते हैं इस ड्रेस की जो लेंथ है ना वो मेरी नी से हल्का सा ऊपर तक है। ये है इस ड्रेस का बैक साइड। इस ड्रेस का जो फैब्रिक है ना वो काफी अच्छा पतला कॉटन फैब्रिक है। पहनने में ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस ड्रेस का जो फैब्रिक आएगा वो थोड़ा सा थिक आएगा, ताकि ये ड्रेस ना अपनी शेप को होल्ड कर सके, बट यार मैं सरप्राइज हूँ इस बात से कि पतले फैब्रिक में भी ये ड्रेस काफी अच्छे से अपने शेप को होल्ड कर रही है। मैं स्पेशली नीचे वाले स्कर्ट वाले पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस ड्रेस ने नीचे वाले पार्ट में भी काफी अच्छे से अपनी शेप को होल्ड किया हुआ है। अगर बहुत ही पतला सा फैब्रिक होता तो ये जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से हो जाता, और ट्यूनिक ड्रेस का जो ओरिजिनल शेप होना चाहिए ना वो इतने अच्छे से नहीं आता। ये है फैब्रिक का क्लोजअप, और ये है ड्रेस की नेकलाइन। चलो अब नेक्स्ट पार्सल अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें है ये लाइट ब्लू फ्लावर प्रिंट वाली ड्रेस। इस ड्रेस में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 323 रुपीज़। इसे खोल कर देखते हैं। क्वालिटी सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और सॉफ्ट स्ट्रेची काइंड ऑफ फैब्रिक है। कलर भी ड्रेस का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं इस ड्रेस के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी।
होपफुली ये मुझे अच्छे से फिट होगी। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। ये है ड्रेस का ओवरऑल लुक। इट इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इस ड्रेस का लुक पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। इस ड्रेस की लेंथ भी मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी। मेरी हाइट है 5'4" और आप देख सकते हैं इस ड्रेस की लेंथ मेरी नी से हल्का सा नीचे तक है। इस ड्रेस में लेफ्ट साइड में ये स्लिट भी दी हुई है। ये है ड्रेस का बैक साइड। ये ना काफी डिसेंट क्वालिटी की ड्रेस है। इस ड्रेस का जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा थिक है। इतना भी थिक नहीं है कि आपको गर्मी लगे, बट इतना थिक है कि ये ड्रेस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस ड्रेस का जो मटेरियल है ना उसमें काफी अच्छा स्ट्रेच भी दिया हुआ है, इसलिए ये ड्रेस पहनने में सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ड्रेस की नेक लाइन एंड स्लीव्स। ड्रेस के बॉटम पार्ट का क्लोजअप। ड्रेस का प्रिंट आप देख सकते हैं, सच में काफी प्यारा प्रिंट है इस ड्रेस के ऊपर। ड्रेस के फैब्रिक का क्लोजअप। ये है ड्रेस का बैक साइड। नेक्स्ट पार्सल देखते हैं इसमें कौन सी ड्रेस है। इसमें है ये रेड ड्रेस। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 597 रुपीज। इसे खोल कर देखते हैं। इस ड्रेस का फैब्रिक कॉटन का है, काफी अच्छा और सॉफ्ट फैब्रिक है। इस ड्रेस का लुक यार पिक्चर में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। बाकी ओरिजिनली कैसा है ये तो पहन कर ही पता चलेगा। मैं आपको इस ड्रेस को पहन कर दिखाती हूँ। ये है इस ड्रेस का ओवरऑल लुक। इट इज अ रियली क्यूट ड्रेस। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक पहनने के बाद कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। इस ड्रेस की जो लेंथ है वो मेरी नी से हल्का सा ऊपर तक है, एंड इस ड्रेस में ना काफी अच्छा फ्लेयर दिया हुआ है। ये है ड्रेस का फ्रंट साइड और ये है ड्रेस का बैक साइड। इस ड्रेस का ना फैब्रिक सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक की ड्रेस है, इसलिए आप इस ड्रेस को ना कंफर्टेबली समझ में वियर कर पाएंगे। इस ड्रेस का जो मटेरियल है ना वो हल्का सा पतला है, बट ये ड्रेस ना बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये है फैब्रिक का क्लोजअप। इस ड्रेस में ना बहुत ही सुंदर ये लेस वर्क दिया हुआ है फ्रंट में और बैक साइड में भी। इस ड्रेस में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है कि ड्रेस में बैक साइड में ये जो पार्ट है ना ये टूटा हुआ आया है। चलो अब नेक्स्ट पार्सल अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी ड्रेस है इसमें। इसमें है ये वाइट कलर की ड्रेस। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 451 रुपीज। ये ना चिकनकारी वर्क वाली ड्रेस है, एंड इस ड्रेस के लिए सच में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इसे खोल कर देखते हैं। वाओ, ड्रेस के ऊपर वर्क मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब बस ये परफेक्टली मुझे फिट हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। वाओ, वर्क बहुत ही प्यारा है ड्रेस पर। और ये ना थोड़ी सी लॉन्ग ड्रेस है, मैं आपको इस ड्रेस को पहन कर दिखाती हूँ। ओ माय गॉड गाइस, अगर आपको एक परफेक्ट वाइट ड्रेस लेनी है देन गो बाय दिस। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ड्रेस इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल आएगी। बॉडी के ऊपर तो ये ड्रेस सच में बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग लग रही है। इस ड्रेस की लेंथ भी मुझे काफी ज्यादा परफेक्ट लगी। मेरी हाइट है 5'4" एंड आप देख सकते हैं इस ड्रेस की जो लेंथ है वो मेरे नी से हल्का सा नीचे तक है, इसलिए इस ड्रेस का लुक ना यार बहुत ही ज्यादा प्यारा आ रहा है। ये है इस ड्रेस का फ्रंट साइड। ये है इस ड्रेस का बैक साइड। ये है फैब्रिक का क्लोजअप। इस ड्रेस पे ना बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क दिया हुआ है फ्रंट में भी, इवन बैक में भी। पूरी की पूरी ड्रेस पर ना काफी प्यारा वर्क दिया हुआ है। चिकनकारी एंड सीक्वेंस वर्क है ये। वर्क काफी ज्यादा ब्यूटिफुल एंड नीट आया है। ये ना अमेजिंग क्वालिटी की ड्रेस है, टॉप नॉच क्वालिटी की ड्रेस है। इस ड्रेस का मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये कॉटन फैब्रिक की ड्रेस है। इस ड्रेस के ऊपर सीक्वेंस वर्क दिया हुआ है, इसलिए ये ड्रेस ना किसी किसी पार्ट से ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। इस ड्रेस में ना वेस्ट वाले एरिया में काफी अच्छा इलास्टिकेटेड पोर्शन दिया हुआ है। ये ड्रेस ना कॉटन फैब्रिक की है और व्हाइट कलर में है। मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि ये ड्रेस थोड़ी सी सी थ्रू होगी। यस, ये ड्रेस ना थोड़ी सी सी थ्रू है। इन्होंने लाइनिंग का फैब्रिक दिया हुआ है इस ड्रेस में, बट जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा पतला है, इसलिए ओवरऑल ये जो ड्रेस है ना वो थोड़ी सी सी थ्रू है। बहुत ज्यादा क्रेजी सी थ्रू नहीं है, बट अगर आप डार्क इनर्स पहनेंगे तो हल्के से डार्क इनर्स विजिबल होंगे। नेक्स्ट पार्सल देखते हैं इस पार्सल में कौन सी ड्रेस है। इसमें है ये डार्क रेड मेरून कलर की ड्रेस। ये सेटिन फैब्रिक की ड्रेस है। इसे खोलकर देखते हैं। फैब्रिक इस ड्रेस का सच में काफी अच्छा फील हो रहा है। बाकी पहनने के बाद पता चलेगा कि ओवरऑल ये ड्रेस पहन कर कैसी लग रही है। सबसे पहले मैं इस ड्रेस का प्राइस आपको बता देती हूँ। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 597 रुपीज। ये इस हॉल वीडियो की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस है, सो इट हैज टू बी गुड। इसे पहनकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इस ड्रेस का ओवरऑल लुक। इस ड्रेस का कलर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा।
ये डार्क मेरून कलर की ड्रेस है। इस ड्रेस का फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। ये सैटिन फैब्रिक की ड्रेस है, डबल सैटिन फैब्रिक दिया हुआ है, इसलिए ये ड्रेस बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इस ड्रेस का ना शेप मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। पर्सनली मेरी बॉडी टाइप पर ना इस ड्रेस का शेप इतना ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लग रहा है। इस ड्रेस में ये स्टमक एरिया में आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सेस फैब्रिक दिया हुआ है। ये जो एक्सेस फैब्रिक है ना, इसकी वजह से ड्रेस का लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वेस्ट वाले एरिया से। वो तो कितना भी बैक साइड से टाई कर ले, स्टिल ये जो फैब्रिक है ना वो फ्रंट में आपको उस तरह से हैंगिंग ही दिखाई देगा। ये है ड्रेस का बैक साइड। क्वालिटी एंड मटेरियल इस ड्रेस का ना ठीक है, बट इट इज नॉट एट ऑल अ वेल मेड ड्रेस। पास से देखने में ना इसका लुक इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है। इट लुक्स काइंड ऑफ चीप, सो ओवरऑल इट इज ओके ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट। मैंने ना ड्रेस चेंज करके ये शर्ट पहनी है क्योंकि ड्रेस की नेकलाइन में मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। ड्रेस की नेकलाइन ना मेरे मूवमेंट से मूव कर रही थी तो मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये शर्ट पहन ली है। अब नेक्स्ट ड्रेस देख लेते हैं। ये है इस हॉल का लास्ट पार्सल, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। इस पार्सल में है ये प्रिंटेड ड्रेस। इस ड्रेस का जो प्राइस है वो है 367 रुपीज। इसे खोल कर देखते हैं। वाओ, इस ड्रेस का कलर सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। काफी प्यारा प्रिंट वर्क है इस ड्रेस के ऊपर। इस ड्रेस में ना फ्रंट में इस तरह से पैडिंग दी हुई है। इट इज अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस। मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए ना सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको इस ड्रेस को पहन कर दिखाती हूँ। ओके, तो ये ड्रेस ना पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। इट इज अ ब्यूटीफुल प्रिंटेड बॉडीकॉन ड्रेस। ये एक पैडेड ड्रेस है। इस ड्रेस में साइड में आपको इस तरह से ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स दी हुई है। ये है इस ड्रेस का फ्रंट साइड। ये एक शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। इस ड्रेस की जो लेंथ है वो मेरे थाइस तक है। ये है इस ड्रेस का बैक साइड। मैंने अभी मीशो पर इस ड्रेस की पिक्चर देख रही थी। पिक्चर देखकर मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि अब प्रिंट ना इस ड्रेस का थोड़ा सा डिफरेंट आया है। कलर्स ऑलमोस्ट सेम है बट प्रिंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और पिक्चर में ना आपको इस ड्रेस का फैब्रिक सिल्क लग रहा होगा। यार, ओरिजिनली ये सिल्क फैब्रिक की ड्रेस नहीं है, ये लाइक्रा फैब्रिक की ड्रेस है। इस ड्रेस में ना काफी अच्छा स्ट्रेच दिया हुआ है, इसलिए ये ड्रेस पहनने में सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इस ड्रेस का ना पैडेड पोर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पास से देखने में, क्योंकि पैड की जो पोजीशन है ना, ये जो कप्स की पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा ऑफुल आई है। एक ये जो पैड है ना वो लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है, एक जो पैड है वो मिडल में है। तो यार, पास से लुक इन पैड्स का ना बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। चेस्ट वाला एरिया ना बहुत ही ज्यादा मेसअप लग रहा है। और कप का ना साइज भी काफी छोटा दिया हुआ है। इट इज नॉट कवरिंग एनीथिंग। अगर आप हल्के से भी हैवी हैं फ्रंट से तो ये ड्रेस ना आपको बिल्कुल भी अच्छे से फिट नहीं होगी। इस ड्रेस को ना आपको शोल्डर पर कुछ इस तरह से टाई करना होगा। ये है फैब्रिक का क्लोजअप। ये है ड्रेस का टॉप पोर्शन। ये है ड्रेस का बॉटम पोर्शन। सो गाइज, ये थी सारी ड्रेसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, हॉट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मीट यू द नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।